थाना हंडिया क्षेत्र के मंदर गांव में बीते 16-17 अप्रैल को मां के साथ चारपाई पर सो रही एक 1.5 वर्षीय बच्ची की हुई हत्या का पुलिस टीम ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है। अभियुक्त मृतका बच्ची का चाचा है। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस के हाथ अहम साक्ष्य भी लगे हैं। डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने शुक्रवार को मीडिया के सामने आरोपी को पेश किया और बताया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि बच्ची का चाचा ही है, जो उसके घर के बगल में ही रहता है। हंडिया पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त सूरज उर्फ लल्ली पुत्र राम गरीब निवासी ग्राम मंदर को शुक्रवार को उसके निवास ग्राम मंदर के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की। पुलिस के अनुसार बच्ची की हत्या अवैध संबंध के शक में की गई है। आरोपी बच्ची के पिता का चचेरा भाई है। आरोपी को शक था महेंद्र का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। इसको लेकर आए दिन विवाद होता था। कुछ दिन पहले विवाद काफी बढ़ गया था। इसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। महेंद्र ने बताया कि मंगलवार शाम को वो पड़ोस के गांव में मड़ाई करने गया था। रात में उसकी पत्नी रानी 1.5 साल की बिटिया रंजना के साथ चारपाई पर सो रही थी। बगल की चारपाई पर दो अन्य बेटियां आस्था और अंजलि थीं। रानी की रात 11 के करीब नींद खुली तो मासूम रंजना गायब थी। उसने आसपास खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। तलाश करते हुए परिजन घर के पीछे स्थित सूखे तालाब के पास गए तो वहां मासूम बेटी मृत पड़ी मिली। सूचना पाकर एसीपी भी फोर्स लेकर पहुंच गए। मौके पर डीसीपी गंगानगर भी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। दिनांक 16/17/2024 की रात्रि को थाना हंडिया से सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु का वहां पे हत्या हुई है, जिसके संबंध में तुरंत से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अपराध संख्या 173/24 अंतर्गत धारा 302 पंजीकृत किया गया था। इस क्राइम को वर्कआउट करने के लिए थाना प्रभारी हंडिया और एसीपी हंडिया के निर्देशन में एक स्पेशल 2 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा एक अच्छा गुडवर्क हुआ है। इन्होंने 2 दिन के अंदर इसको वर्कआउट किया है। इसमें जो अभियुक्त निकल के आया है, जिसने घटना कारित की है, वो शिशु का रिश्ते में चाचा लगता है, जिसका नाम सूरज है, सूरज उर्फ मल्ली पुत्र राम गरीब, जिसका घर मृतका जो शिशु है उसके घर के बगल में ही था। इसके द्वारा अभियुक्त से पूछताछ में बताया गया है कि इसको शक था अपनी पत्नी के अवैध संबंध से रिलेटेड, जिससे शुभ धोके इसने इस घटना को कारित की है। संयुक्त परिवार का हिस्सा है, ये वहीं पे साथ में रहता है, तो ताकि इस क्राइम पे किसी को शक ना हो या पुलिस को शक ना हो, तो इसने परिवार के साथ लग के बच्चे को ढूंढवाने का भी रात को प्रयास किया है ताकि इसके ऊपर शक ना जाए। ठीक, थैंक यू।